हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीमा मैम NVS में। और दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि नवोदय विद्यालय में, यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जो PT टीचर्स होते हैं उनका शेड्यूल कैसा होता है, और आपने वो वीडियो बहुत पसंद की। इसे आज मैं एक न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आ गई हूँ, आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी, रोइंग अरुणाचल प्रदेश नवोदय विद्यालय से। तो देखिए दोस्तों, मेरी पोस्टिंग जो है, आपको पता है कि PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय रोइंग LD वैली अरुणाचल प्रदेश में हुई है, और ये नॉर्थ ईस्ट में ये जो है अरुणाचल प्रदेश स्थित है, आप सभी को पता है। और जो मेरी जॉब है उसके 7 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो इन 7 मंथ्स में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा बीइंग अ PT फीमेल, और एक जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है उसको स्पोर्ट्स एंड गेम्स के अलावा और फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट की टीचिंग और के अलावा जो है और कौन सी जिम्मेदारियां दी जाती हैं, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो दोस्तों, आप वीडियोस को पूरा पूरा देखा कीजिए, और आपको अगर कोई भी डाउट है नवोदय विद्यालय से संबंधित और वहाँ पे क्या क्या वर्क चलते हैं, कैसे रहना है, कैसे जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उन सबका रिप्लाई अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर करूंगी। तो चलिए, तो देखिए दोस्तों, जिम्मेदारियाँ तो हैं नवोदय विद्यालय में। आपको पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो है एक रेजिडेंशियल स्कूल है, यहाँ पे बच्चे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो बहुत सी जिम्मेदारियाँ बनती हैं आपके सब्जेक्ट के अलावा, टीचिंग के अलावा, तो वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले जो है, मेरी ज्वाइनिंग के बाद मुझे, इवन मेरी ज्वाइनिंग भी नहीं हो पाई थी और प्रिंसिपल सर ने बुला लिया कि नेक्स्ट जो मॉर्निंग है आपको बच्चों के साथ मॉर्निंग PT के लिए आना है। यानी जो ऑफिशियल ज्वाइनिंग होती है वो 10 AM पे ऑफिशियल टाइम में होती है, लेकिन मॉर्निंग PT तो आपको मालूम है कि 5:30 पे स्टार्ट होता है। तो मुझे सेम डे ज्वाइनिंग के दिन ही सबसे पहले जो है मॉर्निंग PT जो है ऑर्गेनाइज कराना हुआ बच्चों को। तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया बच्चों का, उनसे इंटरेक्ट हुई और थोड़ा सा एक्सरसाइजेस वगैरह कराई। तो ये सबसे पहला एक्सपीरियंस था मेरा। उसके बाद ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ पूरी हुई, डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, और जो हमारी UDC मैम है, LDC मैम है, इन सबसे इंटरेक्शन हुआ। इसके बाद देन स्टाफ से इंटरेक्शन हुआ, और इसके बाद जो आपको बताऊं मैं कि अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई अपने सब्जेक्ट के अलावा 2 या 3 दिन बाद ही मिल गई थी मुझे, वो है मेडिकल से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि जो स्टाफ नर्स मैम है वो लीव पे गई हुई थी, 3 to 4 days की लीव पे, आई थिंक 1 week की लीव पे वो उन्हें जाना था। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे दे दी गई कि आपको ये 3 to 4 days जो है बच्चों को देखना है। कोई भी अगर बच्चे आपको आके प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो आप जो डॉक्टर हैं हमारे स्कूल के उनसे कंसल्ट करके और बच्चों की देखभाल करेंगी। डॉक्टर सर मेरे साथ पूरे टाइम थे, उनका गाइडेंस था। तो आप ये मत सोचिए कि हम तो मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में जानते नहीं हैं, हमें क्या आइडिया है, हमें क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। कमियां निकालने वाले हर जगह निकाल लेते हैं, तो कमियां नहीं निकालनी है हमें, बस जिम्मेदारियों को पूरा करना है और आगे बढ़ना है। तो डॉक्टर सर का गाइडेंस पूरे टाइम था, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को सपोर्ट करने के लिए और जो है मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। तो ये फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मॉर्निंग PT के अलावा। देन इसके बाद जो जूनियर गर्ल्स हाउस की जो हाउस मास्टर है वो बच्चों को क्लस्टर पे लेके गई हुई थी उस टाइम पे, हिंदी जो मैम है, TGT मैम। तो जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली मेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद वो थी हाउस मास्टर की जिम्मेदारी। यानी कि मुझे गर्ल्स, जूनियर गर्ल्स की जो हाउसेज हैं उनका हाउस मास्टर असाइन कर दिया गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है दोस्तों हाउस मास्टर की। इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि हाउस मास्टर की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। तो पूरा 1 month जो है मुझे एज अ हाउस मास्टर अपने फिजिकल एजुकेशन टीचर शेड्यूल के अलावा हाउस मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करनी पड़ी, और मैंने खुशी खुशी की, इवन इंजॉय भी किया, क्योंकि बच्चों से इंटरेक्ट होने का बहुत अच्छा मौका मुझे मिल गया। मेरी नई नई जॉब थी, मैं बच्चों को जानती भी नहीं थी, तो बस इंजॉय करते चलिए, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिलती है ना, आप इंजॉय कीजिए। तो हाउस मास्टर की ड्यूटी मुझे दी गई, लेकिन जैसे ही मैम वापस आ गई, इवन मैम को थोड़ा सा रेस्ट दिया गया बीच में, और मैंने ही कंटिन्यू किया पूरे 1 month हाउस मास्टर की ड्यूटी। लेकिन फिर प्रिंसिपल सर ने अपने से खुद से ही समझ के और मुझे एसोसिएट हाउस मास्टर बना दिया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ यहाँ पे और मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो इसलिए उन्होंने, और मुझे टाइम कम मिल पाता है।
इससे उन्होंने मुझे हाउस मास्टर से हटा के एसोसिएट हाउस मास्टर बना दिया, और वो भी सिर्फ 15 डेज के लिए। और उसके बाद मुझे पूरे तरीके से फ्री कर दिया गया हाउस मास्टर और एसोसिएट हाउस मास्टर की ड्यूटी से। तो प्रिंसिपल सर बहुत सपोर्टिंग है, हर जगह के सर सपोर्टिंग होते हैं, वो ज़रूरत पड़ने पे आपको अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं, लेकिन फिर आपको रिलैक्सेशन भी जल्दी ही मिल जाता है। तो परेशान नहीं होना है, और मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई, बस हंस के मुस्कुराते हुए बच्चों से इंटरेक्ट होते हुए करती चली गई अपनी जिम्मेदारियाँ। और देखते देखते 3 मंथ्स बीत गए, और इसके बाद जो अदर ड्यूटीज़ हैं जो बीच बीच में मिलती गई, वो है रैली ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो अवेयरनेस रैली प्रोग्राम्स होते हैं वो सब भी हमें ही ऑर्गेनाइज करना होता है, पीटी मेल एंड पीटी फीमेल टीचर्स को। देन ये तो हमारे ही शेड्यूल में आ जाता है, फिजिकल एजुकेशन टीचर शेड्यूल में ही आता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, या प्रोग्राम्स बीच बीच में होते रहते हैं, क्विज़ प्रोग्राम्स हैं, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन या जो भी सर्कुलर आते हैं, तो अदर टीचर्स के साथ साथ कभी कभी हमें भी ड्यूटी मिलती है इसमें, तो ये भी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा देखिए, जो मस्ट है कि आपको करना ही करना है फिजिकल एजुकेशन टीचर के अलावा, वो है एमओडी ड्यूटी, यानी कि मॉनिटर ऑफ द डे ड्यूटी, आपको मंथ में एक या दो हर मंथ में ज़रूर मिलती है, तो ये भी एक अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एमओडी का भी अपना पूरा शेड्यूल होता है, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, दिन भर की मॉनिटरिंग करना होता है, उसका भी मैं एक अलग वीडियो आपको बनाऊंगी। तो पहला मेरा एमओडी जो है वो 29 अगस्त को हुआ, जो कि नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट होता है उस दिन। तो अगेन मैंने पूरे तरीके से, पूरे एंथुजियाज्म से, पूरे एक्टिव एनर्जी के साथ और बहुत ही उत्साह के साथ एमओडी, फर्स्ट एमओडी ड्यूटी अपनी कंप्लीट की। और नेक्स्ट जो है देखिए, वो है संडे ड्यूटी। तो मेरी फिर 3 मंथ्स के बाद ही जो मेरी है संडे ड्यूटी, पहली संडे ड्यूटी हुई थी। तो संडे ड्यूटी के भी अपने अलग नियम कानून हैं, 2 टीचर्स को जो दी जाती है संडे ड्यूटी, बाकी सारे टीचर्स को रिलैक्सेशन होता है। तो दोस्तों यही सारी जिम्मेदारियां हैं जो आपको अपने सब्जेक्ट के अलावा पूरी करनी है। नवोदय में बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई है, बहुत तेज़। ये वीडियो मैं बना रही हूँ, शायद आपको आवाज़ मिल रही होगी, इधर मैं अपनी अम्ब्रेला भी नहीं लाई हूँ, तो बहुत ही अच्छी जगह पोस्टिंग है मेरी, रोइंग अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। तो अगर आपको नवोदय विद्यालय से संबंधित कोई भी डाउट है, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाती हूँ जाते जाते यहाँ की बारिश का। ओके, सो कीप वॉचिंग सीमा मैम NBS एंड लेट्स एंजॉय रेन। और ये देखिए काफ़ी तेज बारिश हो रही है, मैं ग्राउंड में आई हुई थी, बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं तो बच्चे तो नहीं आए हैं, लेकिन मैं अपने डेली वर्कआउट के लिए आती हूँ, अपना जो मॉर्निंग वर्कआउट है मैं वो पूरा करती हूँ। तो देखिए कितनी तेज़ बारिश हो गई है, और ये है मेरी मैच, और अभी जाना मुश्किल है, सामने है स्कूल बिल्डिंग, और देखिए मैं कैसे पहुँच पाती हूँ अपने क्वार्टर तक, सामने ही है मेरा क्वार्टर। सो कीप एंजॉइंग ब्यूटी ऑफ अरुणाचल एंड नवोदय विद्यालय शेड्यूल, नवोदय विद्यालय इन्फॉर्मेशन विद मी। काफ़ी तेज बारिश, पूरा ग्राउंड गीला हो चुका है, माय गॉड। ये देखिए अभी तो पहाड़ यहाँ से कम दिख रहे हैं, पूरा पहाड़ी इलाका है, मैं आपको दिखाऊंगी किसी वीडियो में। और ये देखिए ये है बारिश, कभी भी किसी भी टाइम यहाँ बारिश होने लगती है अरुणाचल में दोस्तों। पानी से भर चुका है, ये है अरुणाचल प्रदेश, किसी भी वक्त कभी भी बारिश हो सकती है यहाँ, माय गॉड। तो आप देख पा रहे हैं, इसीलिए मैंने वीडियो स्टॉप भी कर दिया, थोड़ा जल्दी में बनाया है। तो अगर आपको नवोदय विद्यालय से लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अरुणाचल प्रदेश की ब्यूटी इंजॉय करते रहिए हमारे साथ, अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊंगी। सो कीप एंजॉयिंग सीमा मैम NBS। तो दोस्तों ये देखिए, ये है माहौल, यानी कि पूरा ग्राउंड पानी से भर चुका है, ये है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि कभी भी बारिश। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप एंजॉयिंग सीमा मैम NBS, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, जल्दी मिलते हैं, तो देन टेक केयर, गुड बाय। कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखना बिल्कुल ना भूलें।
आपकी क्या क्वेरीज है, क्या क्वेश्चन है, क्या डाउट है नवोदय विद्यालय से रिलेटेड जरूर बताएं।